नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास खेल खबर। आज खेल जगत में आप सोच रहे होंगे स्टूडियो से बाहर कैसे अश्विन आ गए। अश्विन आपके लिए एक रोचक कहानी और किस्से लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में अगर किस्से कहानियां ना हो तो कैसे बात बनेगी। इस समय हम मेरे पीछे देख रहे हैं हरियाली। हरियाली मन को मनमोहित कर देती है, लेकिन भारत और वेस्टइंडीज के 5 T20 सीरीज में कुछ ऐसा वाकया हुआ जो सबके मन को दुखा गया। हार्दिक पांडे, जिसे खूब प्यार मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए दिया गया, फिर गुजरात की तरफ से खेले और उन्होंने पहली बार कप्तानी करते हुए गुजरात को IPL का खिताब जिताया था, तो उनकी खूब चर्चा होने लगी। IPL हो या भारत की तरफ से खेलने की बारी हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, हर जगह हार्दिक पांडे टीम इंडिया के संकट मोचन की तरह आते और आखिरी गेंदों पे छक्का लगाते और जिता देते। एक उम्मीद से बन गए थे, एक भरोसा से बन गए थे भारतीय फैंस के। लेकिन कुछ ऐसा किस्सा हुआ जो कल तक तारीफों के पुल बांधे जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल था, आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही। कहें हमारी आम भाषा में तो गाली खा रहे हैं। किस्सा यह रहा कि तिलक वर्मा का नाम सुना होगा भाई साहब आपने, वही तिलक वर्मा जो IPL 2023 में अपने प्रदर्शन से सबका मन मोहित किया और एक चमकते हुए सितारे के तौर पर रहा। उनको उनके IPL के प्रदर्शन की वजह से उनको टीम इंडिया में जगह मिली। उन्हें 5 T20 सीरीज में वेस्टइंडीज़ के पहले मुकाबले में उनको इंटरनेशनल मैच में डेब्यू का मौका मिला, तो लोगों को उम्मीदों पे खरे उतरे। उन्होंने अच्छा रन बनाया। दूसरे T20 में उन्होंने अर्धशतक लगाया। एक किस्सा था तीसरे का, जब वो 49 रन के निजी स्कोर पे खेल रहे थे, तब उनके कप्तान मतलब T20 के समय भारत की अगुवाई कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, वो थे। आखिरी गेंद में छक्का लगा के उन्होंने मैच जिता दिया। मैच जिताना जरूरी था क्योंकि भारत पहले 2-0 से पीछे था, लेकिन हार्दिक पांड्या जब छक्का लगाए उसके बाद भी लगभग 2 ओवर बाकी थे, तो ये चर्चा था कि क्या युवा खिलाड़ी जो टीम इंडिया में अभी अभी आया, एक रन बनाने देते उसे, उसका अर्धशतक पूरा होता तो उसका मनोबल बढ़ जाता। वैसे भी तिलक वर्मा कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने जा रहे हैं। अगर वो 93 रन और बना लेते हैं तो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ियों का एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अगर 12 रन और बनाते हैं तो वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब हार्दिक पांड्या को सोशल मीडिया पर खूब जम के आलोचना कर रहे हैं और उनकी आलोचना करते करते हुए उन्होंने MS धोनी का जिक्र कर रहे हैं। कैप्टन कूल भाई साहब, जिन्होंने हमेशा युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है, उनमें से आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या भी हैं जिनको मौके दिए। रोहित शर्मा जो 7वें नंबर पे एक समय था बैटिंग करते थे, उसके बाद उनको ओपन कराना, वही रोहित शर्मा जो ट्रिपल वनडे में 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं, 209 रन, 264 रन और इस तरीके से विस्फोटक बल्लेबाज बने, वही MS धोनी की जिक्र होने लगी। एक मैच का जिक्र करते हुए फैंस लिखते हैं कि विराट कोहली नॉन स्ट्राइक पे थे और टीम इंडिया को जीत के लिए एक रन चाहिए था, तो धोनी कैसे डिफेंस करते हुए पूरे ओवर को अगले ओवर में उनको विराट कोहली को देते हैं और विराट इशारा करते हुए मुस्कुरा से करते हैं कि आप बना लीजिए, तो धोनी कहते हैं कि नहीं, ये आपका, आप इसके लिए डिजर्व करते हैं। और अगली गेंद पे विराट कोहली ने चौके लगा के टीम को जिता दिया था। वो क्लिप भी बहुत वायरल हो रही है और दूसरा हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के भी खूब वायरल हो रहे हैं। चाहते तो अर्धशतक पूरा हो जाता। खेल भावना, युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना हमेशा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर का भी वो किस्सा जिक्र हो रहा है जब विराट कोहली अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 108 रन बनाए थे और गौतम गंभीर 150 रन बनाए थे, लेकिन वो तो ईडन गार्डन का स्टेडियम था, गौतम गंभीर बुला के अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे देते। अब कई सारे ऐसे आलोचना का शिकार हो रहे हैं। क्या हार्दिक पांड्या भी शर्मिंदा होंगे, ये आप बताएंगे, क्योंकि आप के जवाब सवाल ही सराखों पे होते हैं और क्रिकेट फैंस ही सब कुछ होते हैं, और जिस देश में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाए और उसके खिलाड़ी को भगवान की तरह, तो डिसीजन आप पे भी छोड़ता हूँ। खेल खबर में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होगा, तब तक आप देखते रहें हिंदी खबर। कैमरा पर्सन रूबी के साथ अश्विन मिश्रा, दिल्ली।